ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन एक पहल है परम आनंद आयुर्वेदा की, जिसके माध्यम से हम आपको गंभीर घातक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान आप तक पहुंचा पाते हैं। हमारा प्रयोजन आयुर्वेद को अपनाना सरल और आसान बनाना है, जिसके अंतर्गत ही ये पहल है ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। हम यहाँ पर वही उपचार और वही समाधान बताते हैं जो कि पूर्ण रूप से प्रमाणित होते हैं और जिसे हमारे अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा खरा पाया गया है। तो चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में। बुखार आना एक बहुत ही आम बीमारी है और विज्ञान की माने तो दरअसल बुखार कोई भी रोग नहीं है, बल्कि रोग आने का संकेत है। पर जब भी हमें बुखार आता है, हम कोई ना कोई आधुनिक दवा ले लेते हैं, बिना यह जाने कि वह बुखार आने के कारण को खत्म कर भी पा रही है या नहीं। और यही कारण होता है कि कुछ समय बाद हमें फिर से बुखार आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी गुप्ता एक बार फिर से आपका परमानंद आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी महासुदर्शन चूर्ण के बारे में। इसका उपयोग सभी प्रकार के बुखार और मलेरिया को दूर करने में किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में आगे विस्तार में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस दवा को या अन्य किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा को मंगाने की सोच रहे हैं, तो आप इसे हमारे यहाँ यानी कि परम आनंद आयुर्वेद से मंगा सकते हैं। हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा उचित दाम व उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदान करते हैं। महासुदर्शन चूर्ण का उपयोग स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, पुराना बुखार, जीर्ण बुखार, मासिक बुखार और विषम बुखार को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जिगर और तिल्ली के रोगों को दूर करने में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यह रक्त से विष को हटाती है और भूख को और पाचन को बढ़ाती है। यह एक अच्छी एंटीवायरल भी है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट भी है और दोबारा आने वाले संक्रमण को रोकती है। इसके अलावा यह वात पित्त और कफ को भी संतुलित करती है। इतना ही नहीं, यह काफी समय तक शरीर में रहने वाले हरारत को भी दूर करती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके प्रमुख घटकों के बारे में, जिसकी वजह से यह दवा इतनी ज्यादा कारगर हुई है। इस चूर्ण में त्रिफला, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मोथा, चित्रक, सुंठी और नीम की छाल जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो अब बात आती है इसके सेवन की। इसे 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। वैसे तो यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, पर फिर भी इसके सेवन से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। आप चाहें तो हमारे यानी कि परम आनंद आयुर्वेद के डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारी साइट के कंसल्ट और डॉक्टर फॉर फ्री पेज पर जाना है और अपनी समस्या बतानी है। अब बात आती है आप इसे कहां से मंगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप आयुर्वेदिक दवा उचित दाम व उच्च गुणवत्ता में मंगाना चाहते हैं, तो परम आनंद आयुर्वेद ही आपके लिए एकमात्र ऐसा स्थान है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार की दवा को ऑनलाइन मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट जो कि है www.paramanandayurveda.com पर जाएं और अपनी दवा मंगाएं। ऑफलाइन मंगाने के लिए आप हमें 9990004674 पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी साइट के फ्रंट पेज के VIP ऑर्डर फॉर्म द्वारा हमसे किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा मंगा सकते हैं। हम आपकी ऑर्डर की हुई सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा आप तक 3 से 4 दिन में पहुंचा देंगे और हम आपकी दवा आप तक पहुंचाने के लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। जी हाँ, सही समझा आपने, हम प्रोवाइड करते हैं फ्री होम डिलीवरी की सुविधा और ऐसा करने वाले हम एकमात्र कंपनी है। इतना ही नहीं, हम आपको हर दवा के MRP के साथ 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब इंतजार किस बात का, हमारी सुविधा का लाभ उठाएं, आयुर्वेद को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को रोग रहित और खुशहाल बनाएं। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको भविष्य में आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवा से संबंधित और जानकारी दे पाऊँ। फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक दवा और उसके बहुत सारे फायदों के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या खरीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान ना पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ़ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परम आनंद आयुर्वेद पर कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।